नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। हर रोजाना की तरह आज एक बार फिर हम दो जिलों के अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जिलों में क्या हलचल है और किस तरह की प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या बड़ी खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब क्योंकि चुनावी माहौल है तो चुनाव को लेकर किस तरह से रैलियां तो की जा रही हैं, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है, क्योंकि चुनाव तो समय पर होने हैं, उसके साथ साथ कोरोना भी समय पर ही आ गया है जिस तरह से हर साल आता था, तो उसको लेकर लोग कितने ज्यादा जागरूक है, प्रशासन कितना अलर्ट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको बता दूं कि हम बात करेंगे हाथरस और बरेली की। हाथरस और बरेली से दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दोनों अपने अपने इलाकों की जानकारी देंगे, साथ ही विकास को लेकर यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में इन दोनों ही जिलों में कितना विकास हुआ है, ग्रामीण इलाकों के क्या हाल है, ग्रामीण इलाकों में क्या वादे जो किए गए थे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, साथ ही महिला सुरक्षा की भी यहाँ पर बात की जाएगी और इसके अलावा अपराध किस तरह से चरम पर उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा बढ़ती ठंड को लेकर भी बात करेंगे कि बढ़ती ठंड को लेकर ग्रामीण इलाकों में और जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है, तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तो हाथरस से दीपेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बरेली से आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही दीपेश और आसिफ, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और आप दोनों सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप दोनों, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि फील्ड पे आप 24 घंटे मौजूद रहते हैं, जनता के लिए खबरें आप कवर करते हैं कि जल्द से जल्द बड़ी खबर जो है वो उन तक पहुँचाई जाए। किस तरह से सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो आती हैं वो आप ही लोगों को आती हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि आप स्वस्थ हैं या नहीं? जी मैम, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल खासा तौर से हम ग्राउंड से जो खबरें कवर करते हैं उसमें हमें जो भी परेशानी आती है, लेकिन लोगों के प्रति हमें जो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है वो सबसे पहले दिखाया जाए, वही सारी बातें होती हैं। कोरोना भी देखना पड़ता है, ठंड भी देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दिखाना पड़ता है अपने दर्शकों को कि किस तरीके से हम अपने जिले की हर खबर को अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचा पाए। जी बिल्कुल 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 दीपेश, और दीपेश ये बताइए कि हाथरस में आज क्या बड़ी खबर है, सबसे पहले तो ये बताइए। जी पारुल, मैं बता दूं कि आज हाथरस में उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुलिस आरक्षित महिला और हेड कांस्टेबलों को जो मकान दिए गए थे उनका आज ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया गया, जिसमें हाथरस जिले से जिलाधिकारी रमेश रंजन व पुलिस अधीक्षक उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव आर, चेयरमैन आशीष शर्मा व सिकंदर राव से विधायक वीरेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। जी ठीक है दीपेश, इसके अलावा हाथरस की बात की जाए तो हाथरस में कोरोना को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है? जी कोरोना के अगर मामले की बात करें तो अभी तक कोरोना के जितने भी मामले सामने आए हैं हाथरस में उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं हाथरस जिले के ACMO दो दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा था, अब पूरे तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट नजर आ रहा है, पूरे तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो काम कर रही है, वैक्सीन भी लगाई जा रही है। जी बिल्कुल दीपेश, और आपने कुछ तस्वीरें भी हाथरस की भेजी थी जो अभी भी हम स्क्रीन पर चला रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी हुई हैं, वहां पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्या ये पूरा मामला है, जरा इसको भी बताइए। जी मैं आपको बता दूं, ये सिकंदराव विधानसभा का मामला है जो कि कैलोरे चौराहा जो जंक्शन से और जलेसर की तरफ जाता है, वहां के रोडों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। वहाँ का लोगों की समस्या है कि वहाँ अगर आपको अर्जेंट में जाना पड़े तो वहाँ आपको एक घंटा लगेगा, बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लोगों को काफी परेशानी आती है। और जो बात कहें कि जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है
वो एक हाथरस जंक्शन से थोड़ी दूरी पर एक ओवरब्रिज जो बनाने की मांग है उन लोगों की, लेकिन सरकार की तरफ से वहाँ अंडरपास बनाया गया है। जो रेलवे की क्रॉसिंग है उसके लिए अंडरपास दिया है सरकार ने मंजूरी, उसका काम भी चालू हुआ था, लेकिन वही सरकार ने जिनका जो अंडरपास तैयार किया था उसके बाद में लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया है और उनकी मांग है कि यहाँ ओवरब्रिज दिया जाए। जी ठीक है। देखिए यहाँ बरेली से आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ पहले तो ये बताइए आप स्वस्थ हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना का भी साया है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में लगातार आप ग्राउंड पे मौजूद रहते हैं, खबरें कवर करते हैं। जी मैं आपको बता दूंगा, बरेली में कोरोना की लेकर अधिकारी जो है जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ बरेली में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रैलियों पर पाबंदियां नहीं है। रैलियों के अंदर लगातार भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल तो बरेली के अधिकारी इस पर भी सचेत है। अब जो यहाँ पर रैलियों को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही है कि रैलियां हैं उनपे कम सीमित लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। जी जी बिल्कुल आसिफ। और देखिए आप रैलियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आज बरेली में बात की जाए तो बरेली में क्या किसी की चुनावी रैली या कोई जनसभा आज होने वाली है? जी 6 तारीख को आपको बता दूं, असुद्दीन ओवैसी बरेली में आना था लेकिन उनकी रैली पर पाबंदी लगा दी क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अखिलेश यादव की भी 7 तारीख को माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी लेकिन आसिफ ये जानना चाहूंगी कि 6 तारीख को आप ओवैसी की रैली बता रहे हैं जिस पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के नेता रैलियां कर रहे हैं, फिर ओवैसी की पार्टी जब रैली करने के लिए ओवैसी पहुंच रहे हैं तो उस पर पाबंदी क्यों? जी जब अधिकारियों से इस मामले में बात की गई तो अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि असुद्दीन ओवैसी की बरेली में जनसभा को नहीं होने दिया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें कोई और ग्राउंड दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो बात अब तक निकल के आई है वो एक कॉलेज का ग्राउंड है, वहां पर इस्लामिया इंटर कॉलेज का वो मैदान है जहां पर असुद्दीन ओवैसी की जनसभा होना थी, लेकिन अब आज 5 तारीख है और 5 तारीख के बाद कल 6 तारीख है। 6 तारीख में देखा जाएगा कि असुद्दीन ओवैसी की जो जनसभा है वो बरेली में किस स्थान पर होगी, हालांकि इस्लामिया ग्राउंड पर पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई थी। जी ठीक है दीपेश। अगर देखिए हाथरस की बात की जाए तो हाथरस पिछले 1-1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में वो आया था, एक बेटी के साथ जो कांड हुआ था उसको लेकर, हालांकि खूब सियासत भी उस पर हुई थी और उस मुद्दे को लेकर अब भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरता है। अब अगर बात की जाए उस पूरी घटना को 1.5 साल बीत गया है, अभी हाथरस में उस मामले को लेकर क्या बड़ा अपडेट होता हुआ दिख रहा है आपको और उसके बाद स्थिति कैसी नजर आती है हाथरस में? जी पारुल मैं बता दूं कि जो बिटिया के साथ में भूल गली में जो घटना हुई थी उसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है। हर महीने उसकी तारीखें पड़ती हैं, तारीख के बाद में पूरे जो परिवार है बिटिया का उसको लाया जाता है और जो आरोपी है उन्हें जेल से लाया जाता है न्यायालय में और उसके बाद में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद में अभी भी जो बिटिया के घर पर RPF और BSF के जवान वो मौजूद हैं, गांव में बिल्कुल शांति का माहौल बना हुआ है। जी दीपेश इसके अलावा अगर बात की जाए आपराधिक घटनाओं की हाथरस में तो उसको लेकर क्या ग्राफ कहता है? जी आपराधिक घटनाओं की बात करें तो इस तरीके से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, यहाँ ऐसी कोई बड़ी घटना उसके बाद में नहीं हुई है कि जिस तरीके से जो 2020 में जो कांड हुआ था बिटिया के साथ में उसके बाद में अभी तक प्रशासन बिल्कुल बड़े ही मुस्तैदी से काम कर रहा है। जी ठीक है आसिफ। बरेली में अगर आपराधिक घटनाओं की बात की जाए तो बरेली में आपराधिक घटनाओं पर कितना लगाम प्रशासन लगा पा रहा है? जी मैं पारुल आपको बताना चाहूंगा, बरेली में लगातार अपराध का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक जो घटना है वो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर अधिकारी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो हाल ही में IG रेंज ने इसको लेकर रमेश शर्मा ने कड़े निर्देश दिए, साथ ही साथ जो महिला अपराध से संबंधित मामले हैं उन पर उन्होंने कहा है। जी चलिए ठीक है आसिफ से लगाने शायद में नाकाम साबित हो रही है और यही जी जी बोलिए बोलिए आसिफ। हाँ
कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला शराब तस्कर जो है वो शराब बेचती दिखाई दे रही है, उस पर भी अब अधिकारियों के लेकर जो दावे हैं कहीं ना कहीं स्मैक तस्करों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अफीम तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है लेकिन शराब तस्करों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में महिला के द्वारा शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी पारु जी बिल्कुल आसिफ, और देखिए अब चुनाव की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि वीडियो तो वायरल हो गया लेकिन चुनावी माहौल है, बरेली में अगर बात की जाए तो बरेली में 5 साल में कितना विकास हो पाया है? जी मैं पारुल बताना चाहूंगा, बरेली में आधी से ज्यादा सरकार कहेंगे तो इसलिए कहेंगे क्योंकि बरेली में 2 सांसद हैं और 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं। लगातार विकास का जो एजेंडा है वो सरकार में होता रहा है, जो टूटी सड़कें थी वो उन पे काम हुआ है। फिलहाल तो विकास को लेकर यहाँ पर जो है वो ठीक है लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार की समस्या अहम है। यहाँ पर कोई भी ऐसी औद्योगिक फैक्ट्री नहीं जो कि बरेली के युवाओं को विकास रोजगार मिले, यही वजह है कि यहाँ का जो युवा है वो और प्रदेशों में जाता है अपने रोजगार की तलाश करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक धंधे लगाने की बात कही गई थी वो अभी धरातल पर नहीं उतरे, यही वजह है कि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो लगातार दिल्ली बॉम्बई और जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने रोजगार करते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जी पारो जी बिल्कुल आसिफ, और अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो क्या ग्रामीण इलाकों में कुछ विकास हुआ है इन 5 साल में या नहीं? जी 2022 का चुनाव है, इसको लेकर लगातार जो नेता है उस पर मंथन कर रहे हैं, अधिकारियों से मंथन कर रहे हैं। आज भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बरेली में दिखाई दे रहा है, जो विकास जो गांव की सड़कें हैं वो शहर से जोड़ने की वादा किया गया है, साथ ही साथ विकास लगातार होता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है दीपेश, आप बताइए हाथरस में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो कितना विकास इन 5 सालों में हो पाया है? जी पारुल मैं बता दूं, अगर विकास की बात करें तो हाथरस शहर में जो हाथरस विधानसभा है उसमें काफी विकास, जो चेयरमैन है हमारे यहाँ के भाजपा के हैं वो आशीष शर्मा ने बहुत ज्यादा विकास कराया है, लोग उनसे प्रभावित भी दिख रहे हैं। अगर बात करें दूसरी विधानसभाओं की तो वहाँ सादाबाद विधानसभा में जो हमारे विधायक है वो बसपा से बोले जाते थे लेकिन अब उन्होंने उनके पूरे परिवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बात करें कि हम सिकंदराबाद विधानसभा की तो वहाँ लोगों की समस्या है कि वहाँ सड़कों का विकास नहीं हुआ है और लोगों को बेरोजगार देने की जो बात कर रही है सरकार, बेरोजगार नहीं मिला है। और हाथरस में अगर हम बात करें तो हाथरस की एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं बना, अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं बना क्योंकि यहाँ से दूर दूर से यहाँ जो सप्लाई होती है वो दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टरों को। जी ठीक है दीपेश और आसिफ, देखिए अभी हमने ये जनता के मुद्दों की तो बात कर ली कि कितना विकास हुआ है, महिला सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम है, अपराध की यहाँ पर बात हो गई लेकिन अब थोड़ी सी बात जरा आप लोगों के बारे में भी कर ली जाए क्योंकि देखिए चाहे कोरोना हो, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना का साया है पूरे देश में, ऐसे में अब तो ठंड का भी बहुत ज़्यादा बहुत ठंड बढ़ गई है, ठंड का मौसम है, बारिश भी कई इलाकों में आज हो रही है, तो ऐसे में मैं आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि किन इन परिस्थितियों में भी आप किस तरह से फील्ड पर मौजूद रहते हैं और हर खबर जनता तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, किस तरह की चुनौतियों का आप सामने करते हैं, एक एक करके बताइएगा। दीपेश पहले आप बताइए। खबर आप जनता तक पहुंचानी है, सबसे पहले जाना पड़ेगा और हम लोगों को पीछे जाते हैं, समस्या आती है लोग झगड़ते हैं बताते भी नहीं है लेकिन हम हर समस्या का समाधान अपने तरीके से निकाल कर लोगों की खबरों को कवर करते हैं, चाहे बारिश हो ठंड हो कोरोना बहुत जी। चलिए ठीक है, शायद दीपेश से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अभी दीपेश। दीपेश आपका शायद नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। दीपेश आपका नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए फिर आपकी बात मैं सुनूंगी। आसिफ आप बताइए। जी मैम। जी पारुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना की तीसरी लहर चालू हो चुकी है, ऐसे में परिवार के लोगों को भी चिंता सताती है कि हमारा व्यक्ति जो है वो बाहर गया है, कहीं ऐसा ना हो किसी वायरस की चपेट में आ जाए। फिलहाल तो इसको लेकर लगातार परिवार के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए ग्राउंड जीरो पर लगातार हमें
निजी हॉस्पिटलों में भी जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, तो हमें बड़ा एहतियात रखना पड़ती है कि कहीं हम वायरस की चपेट में आ जाए। फिलहाल तो इसको लेकर हम लोग भी एहतियात बरतिया भी लोगों से अपील करता है कि लोग मास्क लगाकर निकले, साथ ही साथ सैनिटाइज का प्रयोग करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। जी पारो जी बिल्कुल, आसिफ लोगों से तो अपील कर रहे हैं, लेकिन एक अपील मेरी आपसे भी है कि आप भी मास्क लगा के रहिएगा, क्योंकि आप लगातार फील्ड पर ही रहते हैं और अब भी आप बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भी जरूर मास्क लगा के रहिए और अपना और अपने परिवार का तो ख्याल रखना ही है, क्योंकि बहुत ये स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए और प्रशासन भी अलर्ट हो रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं हम देखते हैं आसिफ कि जागरूकता नहीं होती है। आप तो देखिए जागरूक करने का लोगों को काम कर ही रहे हैं, हम भी ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, उनसे अपील करें कि मास्क वो पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी वो करें। ठीक है आसिफ, अगर बरेली में हम अस्पतालों की बात कर लें तो अस्पतालों में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर? बरेली में कोरोना से जंग लड़ने के लिए अधिकारियों ने दिशा निर्देश दे दिए, साथ ही साथ लोग अभी मंगलवार को जिला अस्पताल में मार्क ड्रिल कराया गया, उस मार्क ड्रिल के दौरान बरेली का जिला अस्पताल जो है वो काफी हद तक बरेली के अधिकारियों की नजर में पास होता दिखाई दिया है। चंद मिनट में ही एक मार्क ड्रिल में चंद मिनट के ही अंदर एक युवक को उपचार कराया गया, साथ ही साथ तीसरी लहर से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल आसिफ, और देखिए अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो किस तरह से वैक्सीनेशन के इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि तमाम जिलों से हम उत्तर प्रदेश के जिलों में ये खबरें देख रहे हैं कि कुछ व्यवस्था जो है वो ठीक से नहीं की गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ लग जाती है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही, तो बरेली में क्या किस तरह की स्थिति है? वैक्सीन की अगर मामले में बात करें तो बरेली जो है वो नंबर वन पर है, अभी तक यहाँ पर 80% लोगों की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, साथ ही साथ लोगों को और वैक्सीनेशन लगाने का रोज जिला अस्पताल से मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अगर बात करें कोरोना की तीसरी लहर को, तो इस समय हालात जो है बरेली में कोरोना के जो संक्रमित संख्या है वो 21 हो चुकी है, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी तेज गति से शुरू हो गया है। जी बिल्कुल आसिफ, और यहाँ पर देखिए कोरोना की तो बात हो ही रही है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है, अस्पतालों में तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन अगर इन सब के अलावा बात कर ली जाए चुनावों को लेकर, तो बरेली की जनता का मूड क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए आप बहुत जनता से बातचीत करते हैं, उनके बीच पहुँचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बरेली की जनता क्या 2022 में, मतलब कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या बीजेपी का साथ देगी या परिवर्तन चाहती है? जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम लोगों से बात कर रही है, लगातार 2022 को लेकर चर्चा कर रही है, और हम लोगों से जब राय की है तो इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि हालात जो है इस बार बीजेपी के खाते में जरूर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बरेली की जो 9 की 9 विधानसभा सीट है उसमें से इस बार कैंट में और शहर में समाजवादी पार्टी साइकिल चलाएगी, क्योंकि एक लंबे अरसों के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और इस बार कई वर्षों के बाद साइकिल कैंट और शहर में चलने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पर रोजगार को लेकर, जैसे मैंने अभी बात कहा था, रोजगार को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, विकास की बात करें तो विकास लगातार हो रहा है, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पर औद्योगिक धंधों को अभी तक नहीं लगाया गया, कई फैक्ट्रियां हैं जो बंद कर दी गई हैं, जिसको लेकर रोजगार की तलाश में युवा जो है वो और प्रदेशों में जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जी आसिफ बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है, और सिर्फ बरेली ही नहीं पूरे देश के युवाओं में नाराजगी है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कोरोना के समय में स्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, और जो लोग जो बच्चे कॉलेजेस से पास आउट हुए थे, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो ऐसे 2 साल में उन्हें तो नौकरी मिल ही नहीं रही है, यानी कि रोजगार के अवसर तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म होते नजर आ रहे हैं। और अब भी देखिए जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली में लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लग चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार पर तो बात आती है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर अब आने वाले समय में लॉकडाउन लगा तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब बचा ही नहीं है कुछ आगे जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके, अपने परिवार को चला सके। ठीक है आसिफ, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इन सबके अलावा अगर किसानों की बात
बात करें तो बरेली में किसानों के मन में क्या है, उनका मूड क्या कहता है, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे से किसानों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सरकार से, बीजेपी सरकार से बनी हुई थी, अब क्या किसानों के मन में है? किसानों पर मैं बताना चाहूंगा, किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो किसान अभी सरकार से नाराज है। जिस तरीके से सरकार ने जो वादा किया था वो वादे को धरातल पर नहीं उतारा गया। बरेली के इज्जतनगर इलाके के डेलापीर मंडी है जहां पर अक्सर किसान जो है हंगामा करते रहे हैं। कल मंगलवार को भी किसानों ने बड़ी संख्या में धान क्रय केंद्र बंद होने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उनकी तोल नहीं हो रही है, किसानों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर डीएम बरेली से भी मामले की शिकायत की गई और कार्रवाई की लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। फिलहाल तो किसानों को लेकर किसान के जो अनाज है वो मंडियों में नहीं पहुंच रहा है और यहां पर अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। किसानों ने लगातार अधिकारियों के खिलाफ मांग की है, साथ ही साथ जो धान क्रय केंद्र के जो प्रभारी है उन्होंने किसानों पर FIR लिखाने की बात की थी। इसको लेकर तमाम किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने धान क्रय केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और डीएम बरेली माननीय को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। जी पारो जी, ठीक है, आसिफ किसानों की बात हो गई, अगर आप ठंड को लेकर बात कर ले तो ठंड को लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, तो जो गरीब और असहाय लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर सोने के लिए। तो रैन बसेरों की बात कर ली जाए, अलाव की बात कर ली जाए, क्या प्रशासन कुछ लोगों की मदद कर रहा है? जी, बरेली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरेली जो है उत्तराखंड से सटा हुआ है, यहाँ से नैनीताल 125 किलोमीटर है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पहाड़ी जो सर्दी हवाएं हैं वो बरेली के अंदर आ जाती है। इसको लेकर तो मौसम का मिजाज भी बदल जाता है और कहीं ना कहीं अगर अलाव की बात की जाए तो अलाव की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। यहाँ पर जो अलाव जो प्रमुख शहर के चौराहे हैं वहां पर अलाव लगाना था लेकिन अलाव को इस बार नहीं लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के खिलाफ भी शहरवासियों की नाराजगी है। और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें लगातार कंबल और गर्म कपड़ों का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो भी फंडिंग है उन्हें दी जा रही है और उन्हें कपड़े और कंबल वितरण किए जा रहे हैं। जी पारू जी, यानी कि गरीब लोगों को कंबल तो बांटे जा रहे हैं लेकिन अलाव की व्यवस्था भी नहीं की जा रही। क्या आसिफ ये इसी बार की बात है या फिर हर साल इसी तरह की तस्वीर आप देखते हैं कि प्रशासन और नगर निगम अलाव की व्यवस्था नहीं करता? जी पारू, ये नगर निगम अक्सर इस तरीके से भेदभाव करता है कि लगातार जिस तरीके से अलाव को लगाने की सरकार के द्वारा चिन्हित प्रमुख चौराहे हैं या मोहल्लों की बात की जाए या वार्डों की बात की जाए तो वहां पर अलाव लगाने के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि जब से बरेली के मेयर उमेश गौतम बने हैं तब से लगातार कहीं ना कहीं लोगों के मन में नाराजगी है, साथ ही साथ अलाव को लेकर अक्सर भेदभाव किया जाता है। लकड़ियां जो है वो गीली दी जाती है और इस बार जो है वो देखा जा रहा है कि अलाव को प्रमुख जगहों पर नहीं लगाते हुए मात्र चंद जगहों पर ही अलाव लगा दिया गया है और बाकी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को छुपा दिया गया है और कागजों में आंकड़ों को दिखाया जा रहा है। फिलहाल तो नगर निगम में अलाव को लेकर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जी चलिए ठीक है आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बखूबी आपने बहुत अच्छे से बताया कि बरेली में आखिर चल क्या रहा है और किस तरह की स्थिति है और क्या हलचल है। हर खबर हमने आपसे जानने की कोशिश की और बहुत अच्छे से हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जानकारी भी दी। तो ऐसे में हर रोज हम इसी तरह से कार्यक्रम रखते हैं ताकि सीधे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया अपने संवाददाताओं से बातचीत करें और उनके जिले में क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ी हलचल है वो आप तक पहुँचा सके। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोजाना अपने तमाम संवाददाताओं को जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बहुत ही एक स्थिति ऐसी आ गई है कि कोरोना का समय है उसके बावजूद भी देखिए चाहे मैं हूं या हमारे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के तमाम संवाददाता हो और ऐसे ही हमारे और भी सहयोगी हो वो इस स्थिति में भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल का समय है लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और डट के इस स्थिति का सामना करना है। और एक न्यूज वर्ल्ड इंडिया से अपील करता है कि आप भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।